तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार का एमबीबीएस का राउंड वन का अलॉटमेंट आ चुके हैं, रिपोर्टिंग हो चुके हैं, सारे कंप्लीट काम हो चुके हैं राउंड वन का। तो आगे क्या करना है राउंड वन के बाद, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है राउंड टू के लिए और आगे राउंड टू का शेड्यूल क्या बना हुआ रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। इस वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि बिहार का राउंड टू का काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाला है। वेबसाइट की बात करें तो bcecboard.bihar.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपके राउंड टू के काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करें तो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राउंड टू का शेड्यूल ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर रखा है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। 9th पोजीशन पे यहाँ पे 14th नवंबर, 14 नवंबर से 16 नवंबर तक आपके चॉइस फिलिंग है। इसका मतलब कि चॉइस फिल और एडिट राउंड टू में हो सकता है। मैं इसी पॉइंट पे एक बात और कह देता हूं कि जो स्टूडेंट नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो बिहार के राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि बिहार के राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये क्लियर पॉइंट है, दिमाग में रखना है, वेट नहीं करना है। और जो रिजल्ट है सेकेंड राउंड का वो 19th नवंबर का आपको रिजल्ट आ जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 20 से लेके 22 तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। एकदम बहुत क्रूशियल समय ये होता है जिसमें सैटरडे संडे भी आ जाता है, मजबूरी बस इसी के बीच में लोगों को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ध्यान से करना है, हमसे बने रहना है और पूरा स्क्रीन पे देखते रहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसा कि मैंने बताया कि नया चॉइस फिलिंग किया जा सकता है, वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका राउंड वन में कोई एडमिशन नहीं मिला है, वो चॉइस फिल कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनके राउंड वन में कुछ एडमिशन मिले थे और उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया, उनको पसंद नहीं आया, तो अब फिर से नया एडिट कर सकते हैं चॉइस। और वैसे स्टूडेंट नेक्स्ट कि जिनको एडमिशन मिले थे लेकिन उनको अपग्रेडेशन में डाला है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, कहीं रिपोर्ट नहीं किया, वो भी एलिजिबल है। ये बहुत बड़ी बात है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वैसे स्टूडेंट भी एलिजिबल है जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, जैसे वो रिपोर्टिंग के लिए तो गए लेकिन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आने के कारण उनके एडमिशन नहीं हुए, तो राउंड टू में वो फिर से चॉइस फिल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट बिहार के राउंड टू का चॉइस फिल कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान आपको ये देना है कि इसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट में नाम है राउंड वन के काउंसलिंग का, वही स्टूडेंट राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप हमसे बने रहें, हम लोग अपडेट करते रहेंगे कि राउंड टू के कैसे कैसे काम होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। होप सो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।